जो भी बच्चे इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर, इस वीडियो में जो कुछ भी कंटेंट मैं समझाऊंगा वो दोनों लोगों पे लागू है। देखिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियां हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, तो अलग अलग तरह की क्वेरीज आ रही है। एक बहुत बड़ा क्वेरी है कि सर एग्जाम कब होगा, कि एक्स वाई जेड यूट्यूब चैनल पर या गूगल पर मैंने कहीं यहाँ ये देखा वो देखा। तो देखिए प्लीज़, ये तो आप एक बस कंज्यूमर बन गए हैं ऐसी चीज़ों के, और आपको आदत हो गई है कि वो गलत चीज़ ही आपको देखना है। कोई भी गूगल पर, कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी यूट्यूब वाला आपको ये नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम का डेट कब है। उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अगर मान लीजिए डेट रख दे कि 1 जून से पेपर होगा, अब उधर से प्राइम मिनिस्टर कह दे कि हम लॉकडाउन बढ़ा देंगे या लॉकडाउन बढ़ा दें, तो क्या ये एग्ज़ाम 1 जून से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ऐसे वाइस चांसलर देश में कितने सारे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दीजिए उन्हें। जब तक कि लॉकडाउन को लेके सब कुछ क्लियरेंस ना हो जाए, जब तक कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, तब तक अगर कोई भी कहीं भी आप YouTube पर देख रहे हैं, Google पर देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए जिस भी पेज पर आप उस बात को पढ़ रहे हैं, जिस भी चैनल पर आपको देख रहे हैं, वो बस गुमराह करने के लिए, लोग थोड़े से अपना व्यूज और ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए आपको बस गुमराह कर रहे हैं, और आपको वहां जाके आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं, बेवकूफ़ बना नहीं रहे हैं। क्योंकि एग्जाम का डेट जब आएगा तो बहुत ही पब्लिकली वो सबको पता चलेगा, और अकेले वाइस चांसलर के हाथ में नहीं है ये चीज़, ठीक है? तो जब भी आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक जुलाई वुलाई तक जाना चाहिए, अगर एट प्रेजेंट जो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, अगर जून में खुल जाता है तो, अदरवाइज और भी लेट हो सकता है, और इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा समय से पहले परेशान नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। दूसरा एक चीज़ है, कुछ लोग भाई एक अलग ही अफवाह उड़ाए पड़े हैं कि सर सुनने में आ रहा है कि बिना एग्जाम लिए हमको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यार अपने लॉजिक से सोचो, ये चीज़ किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी पर लागू होता है। उदाहरण के तौर पे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सेमेस्टर का अपना ये इंटरनल एग्जाम्स लेते हैं, टीचर सभी स्टूडेंट्स को जानते हैं, बहुत तरह का असाइनमेंट सबमिट करते हैं, इंटरनल्स होता है, रेगुलर सब कुछ करते हैं, उसके बाद इन लोग का रिजल्ट बनता है, तो उन पे ये बात लागू होता है। अब तुमने इग्नू में एडमिशन लिया, सिर्फ तुमको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है, तो तुम्हें ये लग रहा है कि फर्स्ट ईयर से उठा के तुम्हें सेकेंड ईयर में भेज दिया गया, और आपकी ये सिचुएशन हो सकती है 90% लोगों की जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो अपने स्टडी सेंटर कभी विजिट ही नहीं किए होंगे। और उन और इग्नू में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का पेपर एक साथ देते हैं, कुछ लोगों की बैक लगी रहती है, कुछ लोगों का पेपर क्लियर नहीं हुआ रहता तो वो उसको बाद में देते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या होगा? तो ये चीज़ लॉजिकली सेट नहीं बैठ रही, और ये इग्नू पे लागू नहीं होता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों में पढ़ के अननेसेसरी के स्टफ्स हैं उसमें आपको कन्फ्यूज़ करिए, और जो व्हाट्सएप नंबर की फैसिलिटी आप लोगों को दी गई है आप उसका मिसयूज़ करिए, वो जो उसमें आएगा। तो प्लीज़ जो भी क्वेरीज़ है उसको थोड़ा आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो है क्या चीज़ पूछना सही है और क्या चीज़ नहीं। ओके गाइज, अब मैंने अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ओपन कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, या फिर ये यूज़र आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स के बिहाफ पर एस्पायरिंग जर्नलिस्ट आर्या गुप्ता मैम ने यूपीएससी टॉपर ईरा सिंघल मैम का इंटरव्यू लिया था, अभिनय सिंह सर हु हैज रिसेंटली क्वालिफाइड उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम, इनका भी इंटरव्यू दे रखा है। सर मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनसे रिसेंटली कुछ दिन में बात करूंगा कि ये क्योंकि सिंस इनका भी ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मैं चाहूंगा कि लाइव आके जो भी मेरे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को जॉब एंड ऑल के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ समझाएं, ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसा बच्चा हो जो हायर सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो आप सबको इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके आपको उसका लाभ मिल सके। इनका इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। एमए हिस्ट्री से और लेक्चर देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट खोलें और बाकी के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। देखिए ये दिसंबर 2019 का पेपर है, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं और सेकेंड ईयर के हैं दोनों लोग इस बात को ध्यान देंगे, और दोनों लोगों पर ये लागू होता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर का पेपर है तो सिर्फ फर्स्ट ईयर पर लागू हो रहा है, ये दिसंबर 2019 का पेपर है। थोड़ा सा पेपर हल्का सा ब्लर है क्योंकि सिंस अभी वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर्स आए नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को आंसर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है और क्वेश्चंस को लिखे कैसे। सबसे पहले आप पेपर देखते ही जब आपको पेपर मिलेगा तो आप बेस्ट 5 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करेंगे एग्जाम में। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम 11 बजे से शुरू हो रहा है तो भाई आप बेस्ट 5 सेलेक्ट करने में 5 मिनट लगा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे, एक पहला क्वेश्चन मान लीजिए उठाएं जो आपको आता है, आप आंसर लिखना शुरू कर दिया आपने, तो आप आंसर लिखते लिखते बीच बीच में आप इधर आपका क्वेश्चन पेपर पर नजर पड़ता रहता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है नहीं करना है, या जो टॉपिक्स आपको आते हैं वो सीधा देखते ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। तो एट द मोमेंट, जैसे ही एट दैट मोमेंट आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे
तुरंत का तुरंत आप सबसे पहले 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, और फिर हम 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कौन से सीक्वेंस में शुरू करना है। तो देखिए, पहले जो इग्नू की कॉपी आती थी ना, वो प्लेन एकदम आती थी, तो बच्चे इसमें लिखते थे, कुछ दूर दूर करके लिखते थे, कुछ करके लिखते थे। तो यहाँ पर जो है एक स्टैंडर्ड माना जाता था, मानक यही था कि 4 पन्ने का आपने आंसर लिखा है तो एक तरह से कह लीजिए कि सफिशियंट है। लेकिन अब कॉपीज का स्टाइल चेंज हो गया, अब कॉपी थोड़ी लंबी आ रही है और रूल्ड आती है, लाइन वाली कॉपियां आ रही हैं अब। तो इसमें 4 पन्ना लिखना ना बहुत मतलब इजी नहीं है। तो होगा क्या, इसमें आपने 3 पेजेस आंसर लिख दिए हैं तो ठीक है, अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है तो 3 पन्ने के आंसर में भी आपको जो है अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको कंटेंट इन केस आपको लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है, तो मान लीजिए आप मतलब होता है ना कि आंसर को घींच घांच के लिख रहे हैं, तो 3, 3.5, 4 पन्ने आपको लिखना होता है। अब देखिए, क्वेश्चंस करते समय आप मान लीजिए सिलेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन 1, मान लीजिए मैं होता इस पेपर को अटेम्प्ट करता तो मैं क्वेश्चन 5 करता क्रिश्चियनिटी, सिंस क्रिश्चियनिटी भी मेरा लेक्चर अवेलेबल है। फिर मैं क्या करता, मार्टिन लूथर किंग वाला, इस पर मेरा पेड मेंबर्स को लेक्चर अवेलेबल है। उसके बाद मैं करता फ्यूडलिज्म सामंतवाद वाला क्वेश्चन, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता। और उसके बाद एक मैं 10 नंबर का यहाँ से सेलेक्ट कर लेता, अब्बासी खिलाफत और जो है जुरेस्ट्रियनिज्म पारसी धर्म पर, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता और मैं 5 क्वेश्चन को करना शुरू करता। देखिए मैं करता क्या, सिंस नियोलिथिक पीरियड के बारे में बहुत एंशियंट है तो मैं इसके साथ 4 पन्ने नहीं लिख पाता, तो मैं क्या करता 3 पन्ने लिखता। और 3 पन्ने लिखने के बाद जब अगला क्वेश्चन मैं लिखता तो फिर मैं 4 पन्ने लिखता। अब ये ध्यान रखिए, सभी क्वेश्चंस में 4 पन्ने आप नहीं लिख सकते हैं, एग्जाम में एक बैलेंस बना के चलना होता है। अब यहाँ आपने 3 पेजेस लिखे, फिर 4 पेजेस लिखे, अब उसके बाद मैं क्या करता, फिर मार्टिन लूथर वाला मैं लिखता, क्योंकि सिंस इस पे लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं क्या करता, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा से पढ़ा रहता तो मैं इसको भी इजिली 3.5 पन्ने में लिखता। अब तब तक मेरा हाथ दर्द करने लगता, कोई भी होगा आपके हाथ में जो है लगेगा कि स्पीड खराब हो रही है या राइटिंग खराब होने लगती है स्पीड को मेंटेन रखने के लिए। तो जो समांतवाद वाला क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कि इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है वीडियोस में। तो मैं क्या करता, स्मार्ट वर्क क्या है, बीच में हाथ रोक के ब्रेक नहीं लेना होता है, उस समय कुछ ऐसा काम कर लीजिए जो आपके आंसर शीट पे प्रोड्यूस भी हो रहा है और मेहनत भी कम है। तो एग्जाम्पल, मैं एक पन्ने पर क्या करता, पूरा फ्यूडल पिरामिड वाला फ्लो चार्ट बना देता, नीचे इसकी लेबलिंग वगैरह कर देता, सब कुछ लिख देता, तो ये देख के अट्रैक्टिव भी लगता। और दूसरी चीज, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होता कि मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा था, 2 मिनट रुक गया क्योंकि सिंस मेरी राइटिंग खराब हो रही थी या मेरा हाथ दर्द करने लगा। तो ये क्या होगा, ये ज्यादा प्रोडक्टिव वैल्यू है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट्स हो, MHI 1 से लेकर 9 तक, MHI 10 का लेक्चर मेरा अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, तो उसमें होगा क्या कि आपको सभी टॉपिक्स में कुछ ना कुछ फ्लो चार्ट मिल जाएगा और एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा मिल जाएगा जो फ्लो चार्ट वाला वहां आया होगा, तो आप उस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक उठता है कि मान लीजिए सर लगातार 3 क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लीजिए MHI 4 में मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट बना के दे रखे हैं, मान लीजिए ऐसे 3 क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें मेरे फ्लो चार्ट अवेलेबल है, तो क्या तीनों में फ्लो चार्ट बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ये इतिहास का पेपर है, इतिहास के पेपर को इतिहास के पेपर की तरह ही लिखना चाहिए। फ्लो चार्ट सभी क्वेश्चन में बना देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। रीजन देखिए, मान लीजिए एक महिला है कोई, तो वो उसने गले में ज्वेलरी पहन रखा है, हाथ में पहन रखा है, पूरे शरीर में ज्वेलरी पहना दिया जाए तो नहीं अच्छा लगेगा। कहने का मतलब है कोई आभूषण भी है तो उतना ही रखिए जितना अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बना दिया वो मोर देन सफिशियंट है, तीनों में नहीं बनाएंगे। तो होगा क्या, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, सब बच्चे एकदम कहानियों की तरह चेक लिखे रहते हैं, आप एग्जामिनर के साइकी को जज करिए, उसका साइकोलॉजी देखिए, उस सभी कॉपियां खोल रहा है सब ऐसे ऐसे करके, लड़के दुनिया भर का अकड़म बकड़म जो होता है सब लिख रखे रहते हैं, काम की बातें तो बहुत कम कॉपी में मिलेगी। सडनली एग्जामिनर के आगे एक ऐसी कॉपी आती है जहां कुछ पेंसिल से बना हुआ है फ्लो चार्ट वगैरह, तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका जो है स्ट्रेटेजिक होना चाहिए माइंड में। एक बहुत अफवाह ये भी रहती है बच्चों के दिमाग में कि क्या पेज भरने से इग्नू में नंबर मिल जाता है, भाई इस मिसकंसेप्शन में मत रहना, नहीं मिलेगा। अगर कभी एक्सपेरिमेंट करने का मन करे तो करके देख लेना, बहुत गंदे तरीके से फेल होगे। अगर आपने अच्छे तरीके से आंसर लिख रखा है, 99% केस है कि आपका मार्किंग सही से होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आपने पढ़ के लिख रखा है आंसर्स को। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉपी फिल करने से नंबर मिलता है। देखिए, जो बच्चे आपसे ऐसी बात कहते हैं ना, वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेल्योर रहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए क्रिश्चियनिटी वाला लेक्चर है, तो मैंने इस लेक्चर को बहुत पहले बनाया था,
अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे दिमाग में हर वक्त लेट रोमन वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी में क्या दे रखा है, MHI 1 की यूनिट 17 में क्या दे रखा है, हर वक्त 24/7 मेरे दिमाग में चल रहा है। नहीं, नहीं चल रहा है। उसी तरह MHI 3 वाले बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनका MHI 3 की बुक खुलती है, ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन क्या है ये सब चीज़ें, तो सडनली कोई मेरे से बोल दे तो मैं उसको आपको डेफिनेशन बता दूंगा, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। लेकिन अब ये कहो कि MHI 3 में लाइन बाय लाइन क्या दिया है मैं लिख दूं कॉपी में, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अचानक मुझे ये किताब, आपने मान लीजिए क्वेश्चन मुझे दे दिया क्रिश्चियनिटी वाला लिखने के लिए, हाँ बिल्कुल मुझे बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी पता है, लेट रोमन वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये सब पता, तो मैं अगर आंसर लिखूंगा तो हो सकता है एग्जैक्ट इग्नू के सिलेबस पे एकदम स्टिक होकर ना चल रहा हो, क्योंकि सिंस मैं एग्जाम देने तो जा नहीं रहा हूँ, तो वहां पर ये मेरे ऊपर लागू होगा कि हाँ मैंने कुछ पेजेस भरे तो मुझे नंबर मिल गया। रीजन ये क्योंकि जो कुछ भी मैं लिखा रहूंगा हो सकता है टू द पॉइंट ना हो, फिर भी टॉपिक सेंट्रिक होता है। तो पेजेस भरने का मतलब होता है वहां पर ये, आप लोग क्या समझते हैं पेज भरने का मतलब कि कुछ भी बस, हाँ धर्म उनके नाम पे कुछ भी लिख रहे हो तो एग्जामिनर नंबर दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन ये है, मान लीजिए आप ही अपने कॉपी में मान लीजिए 3 पेजेस का आंसर लिख के आप मुझे देते हो, पता है आपके कॉपी में से मैं बीच में से अगर एक पैराग्राफ भी उठा के मैंने पढ़ लिया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो बुक से। और ये लिटरली ये चीज़ है, मैं खुद जज कर सकता हूँ, ठीक है, एक पैराग्राफ ही बीच में से पढ़ेंगे। और बहुत सारे टीचर्स भी इस बात को देख रहे होंगे, आपको बताऊँ टीचर्स कॉपी देखते ही जान जाते हैं, मतलब 2-4 लाइन शुरुआत का और अंत का या बीच से एक भी पैराग्राफ उठा के पढ़ लें तो तुरंत समझ जाएंगे। तो इस तरह के मिसकंसेप्शंस में आप नहीं रहिएगा। देखिए फिर बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि सर इग्नू में 60-65% मिल जाए तो बहुत है, बिल्कुल सही बात है, 60-65% इग्नू में मार्क्स मिल जाए तो ठीक है, सो फार सो गुड, मतलब अच्छा, अच्छे मार्क्स हैं आपके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉपी में बहुत अच्छा नंबर लिख के आते हो और आपको नंबर नहीं अच्छे मिले, या किसी कारणवश एग्जामिनर ने फेल कर दिया। ऐसा सिर्फ और सिर्फ 1% केस में ही ऐसा हो सकता है, कि ऐसा किसी के साथ कहीं अन्याय हो गया हो। तो देखिए इस अन्याय को सुलझाने का तरीका क्या है, अगर आपने आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख रखा है तो बिलीव मी आपके नंबर कभी कम नहीं होंगे, आप फेल नहीं हो पाएंगे। उसका रीज़न ये है, एग्जाम का रिजल्ट आते ही रीचेकिंग का ऑप्शन आता है। इनफैक्ट आप 100-500 खर्च करके अपनी कॉपी को भी अपने पास जेरोक्स कॉपी मंगवा सकते हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि आपने जो लिखा था चेक करके एग्जामिनर ने आपको कितना दिया। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर जिन्होंने नेट JRF की मेंबरशिप ले रखी थी, एक बच्चे ने JRF निकाला, 3-4 ने उनमें से नेट निकाला, तो उन लोगों को PhD वगैरह में एडमिशन लेना इस साल ज़रूरी है, या फिर मतलब आने वाले समय में उनका एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है कि उतने दिन में उनको MA कर लेना है, और उनको मिनिमम MA में एलिजिबल होने के लिए 55% नंबर उन लोगों को लाना बहुत ज़रूरी है, वरना उन लोगों का नेट JRF का जो सर्टिफिकेट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो उन बच्चे को मैं क्या कहता हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्यों, आप पढ़ के जाइए और अच्छे से नंबर लिखिए, सॉरी मैं आई मीन अच्छे से कॉपी लिखिए, ताकि अगर गलती से भी आप इस 1% वाले में आ गए तो आप तुरंत क्लेम कर लीजिए। आप क्लेम कब करोगे, जब आपका पक्ष मजबूत होगा और आपको पता होगा कि हाँ मैंने सही से करके आया हूँ, मुझे कोई फेल नहीं कर सकता है, तब जाके आप कॉपी जब चेक करवाते हो तभी आपको उसका लाभ भी मिलेगा और तभी आप उसका लाभ उठा पाओगे। वैसे ही देख लीजिए MHI 3 वाले बच्चे हैं, तो MHI 3 में देखिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन, सेम चीज़ वही शुरू होता है, वस्तु परकता और जो है उसका व्याख्या करिए, तमाम हर चीज़ें जो आपको देखेंगे वही होगा। फिर आधुनिक इतिहास लेखन में, फिर यहाँ आप देखिए कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात कर रही है, इस पर लेक्चर अवेलेबल है, सबाल्टर्न अप्रोच, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और जनरलाइजेशन पर इस पर लेक्चर अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे कि डायरेक्टली मतलब जो है आपको सीधा सीधा पेपर में मिल जाएगा। तो अब सवाल है कि हम लॉकडाउन में करें क्या। देखिए इधर लॉकडाउन में छुट्टी है, आपके पास टाइम है, बहुत लोगों के पास नोट्स नहीं है, बुक नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्या करिए कि जाके 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़िए, ऐसा मत करिए। देखिए सभी टॉपिक्स पर MHI 1 से लेके MHI 9 तक सब पे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को रिव्यू को करने के लिए मेरा एक लेक्चर अवेलेबल है, सब सभी सब्जेक्ट्स का देखेंगे कि जिसमें मैंने बता रखा है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर्स भी दिखा रखे हैं आप लोगों को। आप क्या करिए टोटल 10 टॉपिक नोट कर लीजिए, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट कर लीजिए अपने पास, सभी सब्जेक्ट उठा के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर जितना मैंने उस लेक्चर में बता रखा है उसमें से आप 10 छांट लेंगे, और इस हिसाब से मत छांटिएगा कि आपको क्या आसान लग रहा है, वो टॉपिक्स जो वाकई में इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट लेते हैं तो आपको एग्जाम में उसका डायरेक्ट बेनिफिट दिखेगा
और आप घर पर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय छुट्टी है तो आपने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक छाटा, तो आप प्रैक्टिस करके देखिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने MHI 2 का प्रैक्टिस किया और आपने रशियन रिवॉल्यूशन या मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा, तो अब आप पेपर पर एक बार वाकई में लिख के देखिए या फिर बैठिए एकांत में अकेले और सोच के देखिए, अगर मुझे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया, फ्रांसीसी क्रांति से मुझे लिखना है, तो मैं क्या क्या पॉइंट्स लिखूंगा। पेपर पर नोट करके रखिए तो आपको एहसास होगा कि आपके दिमाग में सही सही पॉइंट्स आ रहे हैं या फिर आंसर को एक होता है कि फर्जी तरीके से बस लपेटना आई गोई करके आप घुमा रहे हैं। तो ऐसी MHI 1 है, MHI 3 है, मान लीजिए कोई MHI 3 का बच्चा है तो वो देखे कि जो हिस्टोरियोग्राफी, जो इतिहास लेखन में अलग अलग राइटर्स रहे हैं, जो अलग अलग परिपेक्ष राष्ट्रवादी परिपेक्ष, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी और तमाम, तो उन बातों पर क्या आपके दिमाग में मेन मेन पॉइंट्स याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब पॉइंट्स याद आएंगे तभी आप एग्जाम में आंसर अच्छा लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको छांट लेना है। यही एक लॉकडाउन में जो छुट्टियां आपको मिली हुई हैं, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बाकी की सारी पढ़ाई तो एग्जाम के टाइम ही होगी कि एग्जाम का जब डेट डिक्लेयर हो गया तो उसके 3-4 दिन आप पहले पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो बिजी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं जॉब करता हूँ और मैं अभी से पढ़ के रख लूँगा, देखिए यार ये बहुत प्रैक्टिकल से बात, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अभी से पढ़ के रख भी लिया तो आप एग्जाम में अच्छे से तरीके से आंसर रिप्रोड्यूस कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं अपना ही उदाहरण लूँ, मान लीजिए चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी पर पेड मेंबर्स को मेरा लेक्चर अवेलेबल है, आप सडनली मेरे से पूछ देंगे तो मैं मोटी मोटा बता दूंगा कि हाँ चीनी इतिहास लेखन में क्या होता और किस तरह से लिखा गया, कन्फ्यूशियसवाद क्या, ये सब मैं बता दूंगा। लेकिन इग्नू के सिलेबस में चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी में किन किन मेन राइटर्स का नाम लिखा गया है, हिस्टोरियोग्राफी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो एग्जाम से पहले जब आप पढ़ेंगे या लेक्चर को देखेंगे तभी आपको ज़्यादा रिकॉल होगा। तो एग्ज़ाम को लेके एक स्ट्रेटजी बनाइए, और ऐसा नहीं कि लिख के करिए, मतलब एक मानसिक रूप से आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। अब थोड़ा सा हम मेंबरशिप के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसमें मैंने क्या अमेंडमेंट कर दिया है, सिंस इधर छुट्टीज हैं और काफ़ी कुछ हुआ है तो आप इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये डेलीवेट्स की मेंबरशिप क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता है? और एक वीडियो लेक्चर या फिर एक वीडियो कंटेंट मैंने डाल रखा है पूरा डिटेल में कि मेंबरशिप क्या है, मेंबरशिप क्यों लेना चाहिए एंड ऑल जो कुछ भी है। तो मेंबरशिप लेने के लिए आप DBMHI 499 लिख के इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, मेरी व्हाट्सअप हैंडलर है, वो आपको पेमेंट प्रोसीजर वगैरह सब कुछ जो है आपको लिंक वगैरह भेजेंगी और सब कुछ सेफ है। इनफैक्ट पेमेंट वेमेंट में कोई भी इशू होता है तो सारा डिसीजन आपके स्टूडेंट के फेवर में ही लिया जाएगा। तो 499 का आपको पेमेंट करना हो और आपको एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो इसमें बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर आप पेमेंट करने के बाद, मेंबरशिप देने के बाद टोटल जो है 12 से 16 लेक्चर्स ही क्यों देते हैं, अब क्यों नहीं MHI 1 में अगर टोटल मान लीजिए 20 यूनिट्स हैं या मान लीजिए 30 यूनिट्स हैं तो क्यों नहीं सभी यूनिट पर आप एक वीडियो लेक्चर बना के दे रहे हैं। देखिए मेरा यहाँ आपसे एक ही क्वेश्चन है कि भाई तुम्हें वीडियो लेक्चर चाहिए या एग्ज़ाम में अच्छा नंबर चाहिए, ये आप डिसाइड कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर चाहिए तो जो मैं 5 वीडियो पर बना रहा हूँ वो एक स्ट्रेटजी के तहत बना रहा हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप ये सोचिए कि हम 499 रुपये का पेमेंट किए हैं तो हमको खूब सारा लेक्चर मिल जाए, उसको लेके आप करेंगे क्या, उस वो आपको किस तरह फ़ायदा पहुँचा रहा है ना। बेसिक पॉइंट ये है कि आपको फ़ायदा पहुँचना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे तो आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि महीने में 50 से 100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आ जाते थे और वही करंट अफेयर होता था, आप प्रिपेयर कर लिए। समय के साथ धीरे धीरे ऑनलाइन और तमाम अलग अलग मैगजीन्स आने लगे, नोट्स आने लगा, तो क्या हुआ कि करंट अफेयर पर डे आने लगा। फिर समय के साथ ये लोग पर डे करंट अफेयर बना लेंगे, फिर महीने महीना जब बीतता है तो ये लोग क्या करते हैं 1000 से 1500 क्वेश्चन तैयार कर देते हैं करंट अफेयर का। फिर जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम में अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का तो आप देखेंगे तुरंत सभी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग वाले तुरंत बूस्ट करना शुरू, एकदम सीना चौड़ा करना शुरू कर देते हैं कि देखिए मेरे पेपर में से 5 क्वेश्चन आया। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पूरे महीने का पर डे का आपको हम करंट अफेयर लिखवा दूँ, मैं ही लिखवा दूँ 1500 क्वेश्चन का, तो भाई उसमें तो एग्जाम में 5 फंसेगा ही। मैं कह रहा हूँ मैं आपको सिर्फ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ और उसमें से 5 फंस जाए तो आपकी अहमियत होती है, तो वहाँ समझ में आता है कि कोचिंग का या किसी भी इंस्टीट्यूट का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि सिंस कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब कल्चर बन गया तो उसमें आपका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इस डिफरेंस को आपको समझना होगा। अब मैं अगर आपको 5 वीडियो लेक्चर देता हूँ सिर्फ मान लीजिए एक सब्जेक्ट पर, या सिर्फ 3 ही दूँ, मान लीजिए 3 दिया, मैं आपको 3 वीडियो लेक्चर देता हूँ जिसको देखना बहुत इजी होगा, जिसको पढ़ना बहुत इजी पड़ेगा, जिसमें से नोट्स बनाना भी आपके लिए इजी पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 3 ही वीडियो है मान लीजिए एक सब्जेक्ट पर,
और उसमें से दो अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका मतलब कि आपका पैसा देने की जो आपकी मनसा थी वो पूर्ण हो गई, और ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। 5 में से 3 क्वेश्चन फंस जाए तो ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि मैं शुरुआत में आपको दिखा रहा था MHI 1 का जो पेपर है, मान लीजिए मैं MHI 1 का ही पेपर ले लूँ और फिर मैं देखता हूँ कि बच्चों को मैंने कौन कौन सा लेक्चर लास्ट ईयर दिए और उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये मैंने दिसंबर 2019 में बच्चों को जो लेक्चर्स दिया था और ये जो क्वेश्चन पूछा, देखिए क्रिश्चियनिटी में पूछ रखा है, क्रिश्चियनिटी वाला लेक्चर मैंने सबको दे रखा था। सिंस कोई बच्चा अब नहीं भी पेड है तो मुझे उसकी भी ध्यान रखना चाहिए एज अ टीचर। ऐसा नहीं है कि फिर जो पैसा दे रहा है सिर्फ उसी को लाभ पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं है। फिर देखिए मार्टिन लूथर वाला, ये पेड मेंबर्स को अवेलेबल था, फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो आप देखेंगे कि मेरा MHI 1 पे सिर्फ 5 ही लेक्चर अवेलेबल होगा, 5 से 6 ज्यादा से ज्यादा। उसमें से आप क्या पा रहे हैं कि 60 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछ दिया है, सीधा सीधा। ये तो पेड मेंबर्स को अलग से भी दिया गया था, ये पब्लिक था। फिर इसमें आप देखेंगे ये 10-10 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी कवर्ड है। एक मेरा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पब्लिक है जिसमें नियोलिथिक पीरियड, 9 पाषाण काल के से संबंधित जो सब कुछ समझाया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जा रहा है सिर्फ 5 वीडियो लेक्चर में। तो ये ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा हिट रेशियो है। क्योंकि देखिए अगर आप ज्ञान लेने के लिए मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि मत देखिए। उसका रीजन है, ज्ञान लेने के लिए आपको खुद पढ़ने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने किसी कहीं जाके मैंने कोई पेड मेंबरशिप या मैंने कुछ ले किया, किसी टीचर ने मुझे पकड़ के बैठा के पढ़ाया नहीं, मैंने खुद सभी किताबों को पढ़ा। तो वहां आपको सेल्फ करना पड़ेगा। फिर ये सब बंद कर दीजिए, फिर आप मेरा ये लेक्चर मत देखिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि मत देखिए, मत विजिट करिए इस चैनल को, मत विजिट करिए डेलीबाइट्स को। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जरूरत है और तो आपको पेड मेंबरशिप लेनी चाहिए, तभी आपको ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप 5 में से मान लीजिए आपने 3-4 मैंने 3 आपने कर लिया, 3 क्वेश्चन आपके फंस गए, 60 नंबर आप सीधा सीधा अटेम्प्ट कर लिए। फिर उसके बाद होता है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अंत में आप ही की स्ट्रेटेजी काम आती है, क्योंकि आंसर्स तो आप ही को लिखना है। तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए हैं अपने तरफ से तो 1-2 क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए हैं उसमें से फंस जाएगा। तो होगा क्या, एग्जाम में आप 3 घंटे में ना बीच में 1 भी मिनट खाली नहीं बैठे रहेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली बात तो यही है कि एग्जाम में 1 भी मिनट खाली नहीं बैठना है आपको। आप लिख रहे हैं लगातार जो कुछ भी आप पढ़ के आए हैं, कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कौन सा क्वेश्चन करना है, आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि एग्जैक्ट आपको ना आ रहा हो जो आप पढ़ के आए हों, लेकिन हमेशा मतलब लगातार 3 घंटे आपको लिखते रहना है। और ये चीज आपको ध्यान रखना होता है कि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ऐसा ना हो कि 1 क्वेश्चन में आपने 4 पन्ने का आंसर लिख दिया, दूसरे में 4 क्वेश्चन का पन्ने का लिख दिया, तीसरे में 4 पन्ने का लिख दिया और 5वां क्वेश्चन छूट गया। ऐसा नहीं करना है। फिर इन दोनों क्वेश्चंस में एक एक पेजेस कम कर दीजिए, वो जब आप वॉच अपना लिए रहिए, आप देखते रहिए कितना टाइम बीत रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप 3 घंटे में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो पेड मेंबरशिप वाला है ये ज़्यादा लाभकारी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए देखिए देखिए यहाँ लेक्चर्स भी देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि उन लोगों को दिया गया था ये क्या कहते हैं, देखिए एक तो उस पर दिया गया था मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंटवाद पर, फिर चाइनीज रिलीजन पर, मतलब रिलीजन स्टेट एंड सोसाइटी में चाइना में क्या चल रहा है, इस्लाम में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों पर अलग से दिया गया था। ऐसा ही MHI 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर सेवेल्टन अप्रोच। अब देखेंगे जो मैंने लेक्चर दे रखा है पूरा वीडियो का हेडिंग ही दे रखा है, 20 मिनट में मैंने सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्टफ्स PDF में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लेक्चर में समझाया कि ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन क्या है। एज अ स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो एकदम मुरारी बापू की कथा की तरह जो है सुन रहे हैं, पता चला रूम में लेटे हुए हैं, कान में हेडफोन लगा लिया, लेक्चर देख लिया, हाँ हाँ समझ गए। भाई इससे एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे, लिटरली बिलीव मी आपको एग्जामिनर फेल कर देगा अगर आप ये चीज़ कर रहे हो मेरे लेक्चर को देख के। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोग्राफी पर एक लेक्चर दिया, मान लो किसी पेड मेंबर को या पब्लिकली भी अवेलेबल हो, तो आप क्या करेंगे कि ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी को एक बार अपने बुक से पढ़ेंगे, या तो आप पहले वीडियो लेक्चर देख लीजिए उस टॉपिक को फिर अपने बुक से पढ़िए, या ज़्यादा स्ट्रेटेजी के लिए आप पहले बुक से पढ़िए फिर आप क्या करिए वीडियो लेक्चर देखिए फिर आप बुक से पढ़िए। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप एग्जाम में जाके आंसर को ठीक से लिख पाएंगे। और दिमाग में आप रिकॉल करिएगा वीडियो लेक्चर देखने के बाद, थोड़ा सा नोट्स पढ़ने के बाद, कि अगर आपके आगे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया
तो मेन मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में याद आना चाहिए, उस चीज से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन लोगों के बारे में आपको उनका नाम याद आना चाहिए, तब इसका मतलब कि आप स्ट्रेटेजिकली सही चल रहे हैं। तो इस चीज को, तो ये चीज सभी टॉपिक पे तो किया नहीं जा सकता है कि इतना स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़िए, तो इसीलिए मैंने कहा कि 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप चिन्हित करेंगे। ओके, तो मेंबरशिप का अपडेट यही है कि सबसे पहले मेंबरशिप क्या है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। डेली बैट्स की मेंबरशिप पे एक अलग से वीडियो पूरा अवेलेबल है जिसमें मेंबरशिप का डिटेल मैंने समझाया है। मेंबरशिप में एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये कर दिया गया है कि सिंस लॉकडाउन है तो मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स ये डिसाइड किया है कि जैसा कि पहले नियम था कि एग्जाम से 5-10 दिन पहले मिलेगा, तो उस समय सबसे ज्यादा लोग हमारे पास कांटेक्ट करते थे, लेकिन सिंस इधर छुट्टियां हैं तो छुट्टियों को बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज कर लीजिए। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि टोटल अगर 15 से 16 लेक्चर मुझे आपको देना है तो 8 से 10 लेक्चर आपको अभी का अभी ही दे दिया जाएगा। द मोमेंट आप पेमेंट करेंगे आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएगा। मेरा टारगेट ये है कि 60% ऑफ द लेक्चर आपको अभी का अभी ही दे दिया जाएगा, बाकी का 40% लेक्चर जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो 4-5 दिन पहले दिया जाएगा आपको। एज यूजुअल जो पुरानी मेंबरशिप वाली पॉलिसी समझाई गई है लेक्चर देने की, वो 40% लेक्चर्स आपको तब अवेलेबल होंगे। तो मेरा इस में मेंबरशिप के रिगार्डिंग यही अपडेट है कि मेंबरशिप अब ओपन कर दिया गया है। आप अभी एमए हिस्ट्री की मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स आपको अभी से ही दे दिया जाएगा, कम से कम 8 से 10 वीडियो लेक्चर आपको अभी ही दे दिया जाएगा। अब सवाल है कि ये 40% क्यों नहीं दिया जाएगा। देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ मैं कुछ छुपा रहा हूँ जो बाद में दूंगा। उसका रीजन है, ये 40% वीडियो लेक्चर बनेगा ही बाद में। रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बना के रख लिया और उसको बार बार बेच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक धारणा अगर किसी के दिमाग में चल रही है तो इसको आप निकाल दीजिए। उसका रीजन ये है, मान लो मैंने अभी पीछे चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी पर एक लेक्चर दिखाया जो पेड मेंबर्स को दिया गया था। मान लो मार्टिन लूथर वाला प्रोटेस्टेंटवाद वाला जो लेक्चर है वो मान लो मैंने किसी पेड मेंबर को दिया। अब मान लीजिए आपका जो असाइनमेंट का शीट आया है इस साल का, या सितम आप मान लीजिए जनवरी साइकिल में आपने एडमिशन लिया है या जुलाई साइकिल में आपने एडमिशन लिया है, अब उसमें अगर वो प्रोटेस्टेंटवाद वाला क्वेश्चन कवर हो गया है और चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी वाला क्वेश्चन कवर हो गया है, तो वहां पर मेरे लेक्चर की अहमियत कम हो जाती है फिर, क्योंकि सिंस वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी असाइनमेंट में आया हुआ है वो डायरेक्ट आपसे 20 नंबर में एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर में पूछेगा। देखिए अपवाद की स्थिति में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन यही है कि वो नहीं पूछेगा। तो वहां पर मेरे लेक्चर का जो स्थिति है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो आपको इतना यूजफुल नहीं होगा। तो मैं आपको अभी से ही लेक्चर दे के बेवकूफ नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं 5 लेक्चर अगर आपको देता हूँ या 4 लेक्चर देता हूँ तो उसमें एग्जाम में डायरेक्ट 2 से 3 आपके पेपर में फंसे, तभी मेरा भी यूजफुलनेस आपके लिए और तभी जो है आप भी मेरे पास आए। तो ये जो 40% वाला जो विंडो है ये मैंने अपने लिए रखा है, जिसको मैं लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करूंगा एग्जाम का डेट देख के, पेपर का डेट देख के कि किस दिन है, एग्जाम का डेट क्या है, कौन से और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे कवर करना चाहिए, कौन से असाइनमेंट पे नहीं कवर्ड हैं, तो वो फ्रेश तरीके से एट दैट मोमेंट आपको तैयार करके 2 से 4 दिन पहले आपको दिया जाएगा। बाकी का जो मेंबरशिप वाला वीडियो है उसमें जितने भी मेंबरशिप के रिगार्डिंग सभी क्वेरीज हैं उन सबको एड्रेस किया गया है, सब कुछ बताया गया है, तो आप वो मेंबरशिप वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप मेंबरशिप पहले लेते हैं तो किसी बच्चे को कभी कोई दिक्कत होती है कुछ भी ना, तो वो मेरे से वॉइस कॉल पर बिल्कुल और बिल्कुल बात कर सकता है। आप मेरे से वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं। ये वॉइस कॉल वाली फैसिलिटी जब एग्जाम से शुरू होते हैं तो 10 से 11 दिन पहले बंद कर दिया जाता है, क्या उसके बाद आप वॉइस कॉल पर मेरे से बात नहीं कर सकते हैं। अपवाद की स्थिति में मैं तब भी बात कर लूंगा, लेकिन 10 to 11 डेज पहले जब आपका एग्जाम होता है तो मैं नहीं वॉइस कॉल पर बात करता हूँ। उसका रीजन ये है कि उस समय तो भाई हर बच्चा आएगा ना कि सर मेरे से बात, मेरे को बात करना है, मेरे को समझा दीजिए, कुछ बात कर लीजिए। तो देखिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक ही साथ आएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि 10 डेज के पहले, तो 499 रुपीज में जो फैसिलिटी है मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट है कि आपको 15 से 16 लेक्चर मिल गया। जैसा कि आप ऑलरेडी इन्फॉर्म होंगे जब आप मेंबरशिप सेशन के स्टार्टिंग में ही लेते हैं तो आपको अगर फ्री असाइनमेंट्स की जरूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। बाकी का जितने भी इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म,
इन सबको आपको कंटिन्यूसली हम लोग मैसेज करके पोक करते रहते हैं कि आपने किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। तो होता क्या है, जो लोग मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, फैमिली लाइफ में हैं, उनका कई बार होता है कि इधर से अटेंशन हट जाता है, क्योंकि भाई ओपन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, लगातार उनके ध्यान में रहता नहीं है। तो हम उनको पोक करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके रिमाइंड करते रहते हैं। फिर मान लीजिए आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब कल को आपको दूसरी जगह एडमिशन लेना है, अब आपको इग्नू से माइग्रेशन बनवाना है, कोई और सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उन सब में दिक्कत हो गया। तो आप मेरे एग्जिस्टिंग पेड मेंबर रहेंगे तो आपको मेरे द्वारा वॉइस कॉल पे मैं असिस्ट कर दूंगा, तो आपका काम मतलब जल्दी हो जाएगा, या किस तरीके से होगा उन सारी चीज़ों को मेरे द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो ओके गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स का PDF और अन्य MA हिस्ट्री से रिलेटेड सभी टॉपिक्स का आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था वो फुल हो गया है, देखूंगा तो मैं एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दूंगा और आप जाके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डेली बाइट्स पर किसी भी इग्नू का असाइनमेंट आप परचेस कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, जिस पे आपको मेंबरशिप के लिए कॉन्टैक्ट करना है। ओके गाइज, थैंक यू, दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, डू कॉमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।